सत श्री अकाल जी, नमस्कार। कैसे हैं सर? आपकी पर्सनल राय क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर एक अफवाह आपसे लगाया जा रहा है कि आप भी मोदी भक्त हैं, क्या आप मोदी भक्त हैं और पीएम मोदी को लेकर आपकी पर्सनल राय? मैं भक्त नहीं, देशभक्त हूँ। तो देश के लिए अच्छा है वो मेरे लिए अच्छा है, यही मेरी राय। मोदी जी का काम मैंने सबसे देखा जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, और मुझे उनका काम बहुत पसंद है। उन्होंने गुजरात के साथ क्या किया, और मुझे लगता है कि पिछले 5 सालों में उन्होंने हिंदुस्तान में भी बहुत काम किया, भारत के लिए बहुत काम किया, ये मेरी एक राय है। तो मोदी जी लोग कहें आपको कोई इससे परवाह नहीं, उसको लोग कहेंगे, लोगों का काम क्यों, कोई भक्त कहता है तो ठीक है। मैं हमेशा जो लोग चढ़ते हैं कि उन्हें भक्त कहा जा रहा है, मैं कहता हूँ कि अच्छा है कि कम से कम आपको चमचा पड़छा ये सब नहीं कहा जा रहा है, भक्ति कहा जा रहा है, भक्ति में क्या बुरी चीज है। मेरा फ्यूचर अब 11 अप्रैल तक, इस फ्यूचर में तो मैं पीएम मोदी पे ही फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी फिल्म ही उनके ऊपर, और फिल्म भी एक इंस्पिरेशनल फिल्म है। अभी आप सब जानते हैं उनको, इतने सारे हम उनके भाषण सुन चुके हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उनकी विचारधारा हम सब समझने लगे हैं, क्या काम किया है। कुछ लोग खुश हैं, कुछ लोग नाखुश हैं, और ये डेमोक्रेसी में सबका हक है। लेकिन क्या जर्नी रही उस इंसान, कौन से ऐसे पड़ाव आए उनकी ज़िंदगी में, कौन से ऐसे चैलेंजेस आए। मैं हमेशा कहता हूँ ग्रेट चैलेंजेस मेक ग्रेट मैन। अगर आपके चैलेंजेस बहुत बड़े हैं तो आप तब जाके बड़े इंसान बनते हैं। एक आदमी जो बहुत ही गरीब परिवार से, जहाँ पे उनकी माँ दूसरों के घरों में जाके बर्तन धोया, जहाँ पे वो स्कूल जाते थे और साथ में जाके एक रेलवे स्टेशन पे छोटे से गांव में कस्बे में चाय बेचा करते थे, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की, बिना कोई पॉलिटिकल फैमिली का सरनेम, बिना कोई पैसे की बैकिंग, बिना कोई कास्ट पॉलिटिक्स खेले, बिना कोई माइनॉरिटी पॉलिटिक्स खेले, सिर्फ और सिर्फ अपने काम में और एक देश के लिए कुछ कर मर मिटने की एक भावना लेकर, एक जुनून लेकर वो देश के प्रधानमंत्री। तो ये बहुत ज़बरदस्त कहानी, एक फैंटास्टिक स्टोरी है, ये स्लमडॉग मिलियनेयर जैसी एक कहानी है। और आगे चलकर वो ऐसे प्रधानमंत्री बने जहाँ उन्होंने आँखों से आँख मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान हो या प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो, इक्वल फुटिंग पे देखा, उससे मुझे बहुत गर्व होता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पिछले 5 सालों में जब मैं विदेश ट्रैवल करता हूँ, तो जब मैं अपना नीले पासपोर्ट को सामने रखता हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा गर्व महसूस करता हूँ। एक सवाल ये है कि पीएम मोदी के साथ एक बड़ा जो देश बहुत जुड़ा हुआ है, तो क्या आप ये भरोसा दिलाते हैं कि आपने काफ़ी सर्च की होगी आपकी टीम ने, और जी जी जी, तो जब ये मूवी आप डिलीवर करेंगे और उनका जो गुजरात का आप दिखाएंगे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि एक मुख्यमंत्री को राजधर्म अपनाना जी जी, ये सब इंसिडेंट आपने दिखाए हैं, उसमें आप बायस ना हो के आपने कोशिश की है कि आप एक जो रियलिटी थी उस वक्त की वो दिखा पाएँ, या फिर सिर्फ आपने एक तरफा दिखाने की कोशिश की थी पीएम मोदी उस वक्त जब सीएम थे? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। जर्नी पूरी जीवन की है प्रधानमंत्री बनने तक की, और कोशिश ये रही है कि ऐसी फिल्म बने जो लोगों को इंस्पायर करे, जो देखकर इंसान बाहर आकर ये कह सके कि यार चाहे मेरी कोई पुल ना हो, चाहे मेरी कोई बैकिंग ना हो, चाहे मेरे पीछे कोई पैसा ना हो, अगर मैं रियली चाहता हूँ देश के लिए काम करना तो मैं भी प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। एक सफाई कर्मचारी प्रधानमंत्री बन सकता है देश का, एक किसान बन सकता है, एक सैनिक बन सकता है, एक स्टूडेंट बन सकता है, एक रिपोर्टर मोहित जी बन सकते हैं प्रधानमंत्री देश के। ये इंस्पिरेशन हमने लाने की कोशिश की। तो इस इंस्पिरेशन के लिए हर एक इंसान के सामने गुड पीरियड और बैड पीरियड आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, जो मैंने इससे पहले भी कहा, उन चैलेंजेस को आप कैसे फेस करते हैं, उनका सामना कैसे करते हैं, या आप टूट जाते हैं, आप हार जाते हैं, या आप उससे आगे बढ़ते हैं। जब हम कोई भी अच्छी बायोपिक देखते हैं, जैसे धोनी की बायोपिक मुझे बहुत अच्छी लगी, मैरी कॉम की बायोपिक मुझे बहुत अच्छी लगी, तो उसमें एक इंस्पिरेशनल वैल्यू रहती है। अरे धोनी ऐसे टिकट बेचा करता था ट्रेन स्टेशन पे, ऐसे सोया करता था रेलवे स्टेशन पे, और आज वो महेंद्र सिंह धोनी, जिसको सब माही माही के लोग चिल्ला के, धोनी धोनी चिल्ला के स्टेडियम की गूंज में उसका स्वागत होता है।
ये जो ग्रोथ है ये जर्नी में बहुत इंटरेस्ट है और इसी जर्नी से इंस्पिरेशन मिलती है आपको। जब मोदी जी यूथ थे तो उनके क्या प्रॉब्लम थी, क्या दुविधाएं थी उनके मन में, जैसे बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अभी शायद नए नए आए हैं जर्नलिज्म में, तो क्या वो जर्नलिज्म में करियर ढूंढ रहे हैं या बोल रहे हैं कि ठीक है स्टॉप गैप है मैं कुछ और करूंगी या मैं कुछ और करूंगा इसके बाद में। ये हर युवा पीढ़ी की ये क्वेश्चंस का एक पीरियड आता है, तो उनका वो पीरियड क्या था, वो सन्यासी क्यों बने और अगर सन्यासी बने तो वापस क्यों आए, क्या चीजें थी जिन्होंने उनको इंस्पायर किया। अब एक जीवन को 2 घंटे 9 मिनट के अंदर संक्षिप्त में कहना थोड़ा मुश्किल, 6 घंटे का मेकअप फर्स्ट टाइम 7 घंटे के मेकअप के बाद जब मैंने आईना देखा तो मुझे लगा बहुत बकवास लग रहा है सोफा में। अच्छा लोग मुझे बहुत कुछ कहने लगे कि भैया देखो ये लेवल का मेकअप हिंदुस्तान में नहीं हो पाएगा, यूके से बुलवाओ, यूएस से बुलवाओ। मैंने कहा देखो फिल्म है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर तो मेकअप भी मेक इन इंडिया होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने कोशिश की। 15वें टेस्ट हम फाइनली हमें लगा कि ठीक है अब ठीक लग रहा है। बहुत कुछ किया नोज के साथ, टोन के साथ में, हाइलाइट्स, मेकअप, हेयर। इस देश की किस्मत बदलनी है तो पहले अपने भाग्य का सामना करना पड़ेगा, हर चीज को करना पड़ा, 40 लैंग्वेज भी करना पड़ा। शुरू में तो जब हम वीडियो टेस्ट कर रहे थे तो मैंने भी शुरू कर दिया मित्रों और भाइयों और बहनों और ये सब करने की कोशिश की, लेकिन उसमें थोड़ा पैरोडी लगने लग गया, कॉमेडी लगने लग गया, ऐसे लगा कि मैं मोदी जी की मिमिक्री उड़ा रहा हूँ। तो उसके बदले में हमने उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो एनर्जी है, जो इंस्पिरेशनल क्वालिटीज है, उसको अडेप्ट करने की कोशिश की और हल्का हल्का सा परफॉर्मेंस, जेस्चर, बात करने का तरीका, लहजा, चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, वो सब चीज़ों को हमने कैप्चर करने की कोशिश की। तकरीबन मैंने शायद न्यूज़, इंटरव्यूज़, रैलीज, स्पीचेस, मीडिया के करीबन 1000 घंटे से ज़्यादा की फुटेज देखी। थैंक यू सो मच। आचार्य जी, यू वॉन्ट टू एड एनीथिंग इन पंजाबी? मैं तो कहूँगा हमें वाहेगुरु का, माता रानी का और हर भगवान का आशीर्वाद चाहिए कि मूवी बहुत बड़ी सुपरहिट हो और लोग इसको देख के इंस्पायर हों। भाई सारे पिक्चर वेखण आओ। सत श्री अकाल। थैंक यू जी। थैंक यू।